Hello friends, welcome to Impexperts, the part of the GFE, that's called a Global Federation of Entrepreneurs. Thank you so much again for the valuable response. जो कमेंट्स आ रही है इट्स अ वैल्यूएबल कमेंट्स और मैं सराहना करूंगा कि आप वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरह से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आपको उसका पोटेंशियल पता चल रहा है, मार्केट पता चल रहा है. उसी के बेसिस पे आज हमारे साथ एक क्वेश्चन पूछा है ज्ञानी जय शर्मा ने, जो कि है सर एज यू नो मार्केट में प्राइस को लेकर बहुत कॉम्पिटिशन है, सो हाउ टू नो मार्केट प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट ऑफ द बायर. So, मैंने एक प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी शेयर करा था कि आपको मार्केट प्राइस जानना जरूरी है. अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई भी प्रॉफिट मार्जिन आपको ऐड करना है, तो उसी के बेसिस पे आपको सामने वाले की जो टारगेट कंट्री है वहां पे समझना पड़ेगा कि वो जो कंट्री है या वो जो बायर है वो कितने रुपए में इम्पोर्ट कर रहा है वो पर्टिकुलर चीज. अगर आपको वो पता चल गई तो उसी बेसिस के ऊपर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर सकते हैं. तो उसी के लिए मैं आपको एक वेबसाइट का नाम देता हूं. इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक पूरी वेबसाइट है जहां पे आप जाके पूरी डिटेल एनालिसिस कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मतलब समझ लीजिए फ्रेंड्स कि जो भी इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में या फिर इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका पूरा डेटा एनालिसिस आप वहां से निकाल सकते हैं. उसके अंदर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कॉमोडिटी वाइज यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कंट्री वाइज यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कितने रुपए में जा रहा है क्या नहीं है. आपको थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो वेबसाइट पे भी करना पड़ेगा क्योंकि बैठे बैठे कोई चीज नहीं मिलती है फ्रेंड्स. तो थोड़ा ग्राउंड वर्क अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा मिलेगा वहां से. और ये एक फील्ड ऐसा है कि आगे चल के जो आपने ग्राउंड लेवल का काम करा है वो ग्राउंड लेवल का काम आगे आपको बढ़ाएगा ही और आपका नॉलेज ही बढ़ाएगा, आपको कुछ घटाएगा नहीं वो. दैट व्हाट वी गिव द श्योरिटी टू आवर पीपल, टू आवर पार्टिसिपेंट, टू आवर मेंबर्स, जो भी जीएफई के पार्ट के मेंबर्स हैं उनको हम ये श्योरिटी देते हैं कि जो उन्होंने पूछा है कि लोकल मार्केट में ट्रेंड बहुत मतलब कट शॉर्ट मार्जिन के ऊपर ही लोग काम कर रहे हैं. लाइक मैं अभी ये ब्लेजर पहना हूं तो क्या हम रोज खरीदने जाते हैं ये ब्लेजर? ये जो मैंने ग्लास पहने हैं ये हम रोज खरीदने जाते हैं? नो. तो डिपेंड करना है कि आने वाला ट्रेंड कैसा है फ्रेंड्स. सो मैं बहुत सी जगह पे पूछता हूं, लाइक मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग करी है? तो लोग कहेंगे कि हाँ करी है, बिल्कुल करी है. अब मैं उसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपने ऑनलाइन सेल करा है? बहुत से लोग क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे, नहीं ये तो नहीं करा. सो अगर मैं 100 लोगों को पूछता हूं, आई एम कंडक्टिंग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, और हम लोग बहुत सारे डिलीवर करते हैं एज एन जीएफई के पार्ट के ऊपर. 40 प्लस इवेंट्स इन अ मंथ वी आर कंडक्टिंग. जहां पे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कितने लोग कर रहे हैं? सो मेरे पास अगर 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग में से 95 पीपल विल रेज द हैंड कि हां भाई हम लोग कर रहे हैं. अब मैं सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा, बेच कौन रहा है ऑनलाइन? तो हार्डली 2 or 3 or 5 पीपल मैक्सिमम. सो हम लोग ट्रेंड की तरफ जा तो रहे हैं बट वो ट्रेंड को अपना नहीं रहे हैं. सो इसीलिए जो कट शॉर्ट मार्जिन होता है उसको यहां पे हम लोग बढ़ावा देते हैं एक्सपोर्ट पोटेंशियल में कि आपके पास आपकी सिटी के, अब मान लीजिएगा अगर मुझे ये गॉगल्स बेचने हैं या मैं मैन्युफैक्चरर हूं ये ब्लेजर का, तो मेरी सिटी के अंदर कितने लोग ऐसे होलसेलर होंगे जो ब्लेजर खरीदेंगे मुझसे? हार्डली 2-3 राइट. बट जरूरी नहीं है ना कि मैं अकेला ही पूरी सिटी में ब्लेजर बनाता हूं, मेरे अलावा कोई और भी ब्लेजर बनाते होंगे, उनके भी क्लाइंट्स होंगे. तो जो शर्मा जी ने जो क्वेश्चन पूछा है, इट्स रियली अप्रिशिएट शर्मा जी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए, क्योंकि आज का मार्केट इतना टफ हो गया है कि उसको आने वाले फ्यूचर में वो सस्टेन करना इट्स अ मच मच डिफिकल्ट. तो आपका वो पोटेंशियल हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू जो है, आपका वो सिटी नहीं होती है, आपका स्टेट नहीं होता है, बट यू आर हैविंग अ पोटेंशियल दैट यू कैन सेल योर प्रोडक्ट. आपका मार्केट इंडिया नहीं, 200 प्लस कंट्रीज है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं. और 200 कंट्रीज के अंदर से भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका पोटेंशियल मार्केट कौन सा है, दैट यू नीड टू रियलाइज. तो उसके लिए मैंने आपको जो वेबसाइट बताई है वो वेबसाइट पे आप जाइए, यू विल गेट मच बेनिफिट कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कंट्री में भेजना है.
तो इसके ऊपर अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए, हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।